अंडरस्टैंड सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है और तीन कॉलम है. क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो है, इसलिए इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाएगा. पर्टिकुलरली इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक रो और तीन कॉलम है. इन जनरल हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाय n से रिप्रेजेंट किया जाता है और m नंबर ऑफ रोज होते हैं. अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक रो है, इसलिए इसका जनरल ऑर्डर 1 बाय n होगा. बिल्कुल वैसे ही अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, कितने भी रोज हो, तो उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा. तो क्या आप बता सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स का जनरल ऑर्डर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका ऑर्डर होगा m बाय 1. इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो रोज हैं और एक कॉलम है. ठीक है, तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ या नंबर ऑफ रोज और कॉलम की तादाद अगर सेम हो, मतलब जितने रोज और उतने ही कॉलम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा. स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं. तो अगर दो रोज दो कॉलम्स हो, तीन रोज तीन कॉलम हो, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा. जनरल ऑर्डर इज एन. नाउ सपोज इफ आई हैव अ मैट्रिक्स इन विच ओनली द डायगनल एंट्रीज आर प्रेजेंट. सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, डायगनल ज्योमेट्री की दुनिया में दो होते हैं, राइट टू लेफ्ट भी होता है, लेफ्ट टू राइट भी होता है. लेकिन मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट वाला डायगनल इंपॉर्टेंट होता है, इसको लीडिंग डायगनल या प्रिंसिपल डायगनल कहा जाता है. और अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ लीडिंग डायगनल मौजूद, बाकी सब जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगनल मैट्रिक्स कहा जाएगा. इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. फॉर अ मैट्रिक्स टू बी डायगनल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो वी कैन से दैट एवरी डायगनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मे नॉट बी अ डायगनल मैट्रिक्स. जैसे ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर तो है लेकिन डायगनल नहीं है. और अगर किसी डायगनल मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज इक्वल हो जाए तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, इसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है. और अगर सारी डायगनल एंट्रीज इक्वल टू 1 हो जाए तो सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नंबर्स की अलजेब्रा की दुनिया में जैसे नंबर 1 की इम्पॉर्टेंस होती है, बिल्कुल वैसे ही मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. प्लेज द सेम रोल एज 1 इन सम केसेस. नाउ सपोज आपके पास किसी मैट्रिक्स के अंदर डायगनल एंट्रीज के ऊपर वाले नंबर्स तो मौजूद हो, नीचे वाले सब जीरो हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल का शेप बन रहा है जो ऊपर की तरफ है. इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा. तो अगर अपर ट्राइंगुलर में डायगनल की ऊपर वाली एंट्रीज मौजूद होती है, तो क्या आप बता सकते हैं लोअर ट्राइंगुलर में कौन सी एंट्रीज मौजूद होगी? ये आप बहुत आसानी से सोच सकते हैं. कुछ मैट्रिक्स ऐसे भी होते हैं जिसमें डायगनल को छोड़कर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती है. जैसे इफ दिस इज द डायगनल, ये दो एंट्रीज सेम है, इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसमें एक्सेप्ट डायगनल करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल टू ईच अदर. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज समवॉट रिलेटेड टू सिमेट्रिक. इसमें ऐसा होता है कि डायगनल एंट्रीज जीरो होगी, बाकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल बट अपोजिट इन साइन होगी. जैसे ये रूट एट है तो दूसरा माइनस ऑफ रूट एट होगा. करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होगी लेकिन अपोजिट इन साइन होगी. एक आखिरी मैट्रिक्स भी देख लेते हैं. अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सारी एंट्रीज जीरो हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहा जा सकता है.